लकी पामेस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज आपके लिए हम लोग वर्ग चिन्ह के बारे में बताएंगे कि वर्ग चित्र जो होता है, वर्ग चिन्ह जो होता है वो किस किस क्षेत्र पर कौन कौन सा फल देता है। या जैसे बुध पर है तो बुध पर वर्ग फल क्या देता है, सूर्य पर क्या फल देता है, शुक्र पर क्या फल देता है, आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। यहाँ पे ये बताया जाएगा कि वर्ग चिन्ह जहाँ पे रहता है वो हमको क्या क्या फल देती है, क्या क्या शुभता देती है, क्या क्या हमको सही मार्ग दिखाती है, और साथ ही साथ हमारा क्या समृद्धि करती है, क्या हमको सुख देती है, आज इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हाय गाइस, देखिए यहाँ पे इसको वर्ग का चिन्ह बोलते हैं। ये बड़ा भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है, ये इससे भी छोटा हो सकता है, इतना छोटा भी हो सकता है, इसको हम वर्ग का चिन्ह कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों बताया जा रहा है इसको वर्ग का चिन्ह कहते हैं या आयताकार चिन्ह कहते हैं। यहाँ पे ये चिन्ह जहाँ भी रहता है, जिस क्षेत्र पे रहता है, जिस ग्रह पे, ग्रह क्षेत्र पे रहता है, अपना अच्छा फल देता है, शुभ फल देता है। एक ऐसा है, ये एक मात्र चिन्ह है जो दोस्तों जो जहाँ पे भी रहता है वहाँ सुरक्षा देता है, समृद्धि देता है और रक्षा भी करता है। ये वर्ग का चिन्ह जो होता है बहुत ही शुभता लिए हुए होता है और जहाँ पे भी रहता है वहाँ सुरक्षा प्रदान करता है, शुभता प्रदान करता है और सक्सेस को भी दर्शाता है, सफलता को भी दर्शाता है। ये दोस्तों हस्तरेखा पर वर्ग का निशान हर क्षेत्र पर अलग अलग फल देता है। ये चिन्ह बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस चिन्ह का सर्वाधिक महत्व होता है। ये वर्ग जहाँ भी रहता है वो व्यक्ति की, जातक की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है और साथ ही साथ समृद्धि भी लाता है, आने वाले संकटों से रक्षा करता है और सुरक्षा करता है। भाग्य रेखा पर अगर ये चिन्ह पाई जाती है, यहाँ पे भाग्य रेखा होती है दोस्तों, यहाँ पे भाग्य रेखा ऐसे है, अगर यहाँ पे चिन्ह पाया जाता है, वर्ग का चिन्ह भाग्य रेखा पे पाया जाता है तो वो व्यक्ति जो है बहुत ही भौतिक सुखों को भोगने वाला रहता है और उनको अगर आर्थिक कोई भी परेशानी होती है तो उससे सुरक्षा करता है, रक्षा करता है, ये सारे खतरों को दूर कर देता है। यदि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर भाग्य रेखा पे होता है तो अगर कितना भी आपको तकलीफ हो, आर्थिक स्थिति खराब हो या तो आपको भौतिक सुख में कमी आ रही है, अगर भाग्य रेखा पे वर्ग का निशान है तो आपको हर तरफ से सुरक्षा मिलेगी, रक्षा मिलेगा और साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी और भौतिक सुख समृद्धि भी ठीक होगी। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर शनि क्षेत्र पर, अगर शनि क्षेत्र पर यहाँ पे अगर वर्ग होता है दोस्तों तो यहाँ बताता है कि व्यक्ति के दुर्घटना से रक्षा होगी या दुर्घटना होगा लेकिन वो व्यक्ति जो है बच जाएगा, उसकी सुरक्षा हो जाएगी, वह सुरक्षित रहेगा। अगर ये मस्तिष्क रेखा पर है दोस्तों, ये वर्ग रेखा, तो भी ये सुरक्षा प्रदान करता है, मस्तिष्क को, दिमाग को सुरक्षित करता है, संरक्षण कर देता है। और इंसान को अगर ज़्यादा तनाव होता है, मानसिक तनाव होता है या वो कोई बोझ होता है या मानसिक उलझन रहती है तो व्यक्ति का जो मस्तिष्क की रक्षा करता है ये, कि जितनी भी परेशानियां हो, जितने भी आपको तकलीफ हो, ये उनसे दूर करता है मस्तिष्क रेखा पे अगर रहता है तो। ये बहुत ही अच्छा वर्ग का चिन्ह है दोस्तों, जो हमको बहुत से कठिनाइयों से, बहुत से उलझनों से, बहुत ही मानसिक तनाव से भी हमको बचाता है। अगर हृदय रेखा पे अगर वर्ग का चिन्ह है तो ये प्रेम संबंधों को दर्शाता है, प्रणय को दर्शाता है। अगर प्यार में, प्रेम में, स्नेह में अगर कोई पति पत्नी के बीच कोई भी अगर परेशानी आती है, कष्ट आता है, तकलीफ आता है तो उसको दूर करने की कोशिश करता है।
अगर कोई भी आप अगर प्यार में, स्नेह में, या पत्नी से भी कोई अगर झगड़ा हो, लड़ाई हो, या प्यार से कोई लड़ाई झगड़ा हो, तो आप इस अगर आपके हृदय रेखा पर ये वर्ग का चिन्ह है तो उसे सुरक्षा करता है, उसको कम होने देता है, यानी लड़ाई झगड़ा को कम करता है और रिश्तों को सुरक्षित रखता है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है शनि के, अगर शनि के नीचे भी रहता है तो इंसान को प्रेम प्रसंगों में, और अगर किसी से प्यार हुआ है तो उसमें थोड़ा बहुत तकलीफ आ सकती है आपको। यहाँ पे वर्ग के निशान से अगर आप किसी से प्यार करते हैं, किसी या मियां बीबी का जो रिश्ता है वो थोड़ा बहुत तनावपूर्ण रह सकता है, केवल रिश्तों के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक है, और बाकी जगहों पे तो बहुत ही अच्छा और शुभ फल देता है ये। अगर जीवन रेखा पे रहता है दोस्तों, तो इंसान को अगर मृत्यु भी आने वाली रहती है तो उसे सुरक्षा करता है और कष्ट को टालने की कोशिश करता है। और अगर आपकी आयु थोड़ी ज़्यादा तकलीफ वाली है तो उसको भी संभालने की ये वर्ग कोशिश करता है, यानी आपको बहुत ही अच्छा फल देता है। यहाँ तक कि अगर आपको मृत्यु तुल कष्ट भी होगा तो उसको भी दूर करने का कोशिश करता है ये रेखा। अगर शुक्र क्षेत्र पर अगर वर्ग का निशान हो दोस्तों, तो वो सांसारिक सुख में कमी आने से रोकता है, यानी अगर ये शुक्र क्षेत्र पर अगर ये वर्ग रहता है तो आपका कोई भी जैसे वैवाहिक जीवन हुआ, सांसारिक सुख हुआ, उसमें कभी कमी नहीं आएगी, बल्कि उसके सुखों में वृद्धि होगी, यानी आपका प्रेम अच्छा रहेगा, आपका भौतिक सुख अच्छा रहेगा, आपका जीवन लग्जरियस रहेगा। इस तरह की बातें यहाँ पे बताता है, सुरक्षा भी प्रदान करता है और भौतिक सुख भी प्रदान करता है और प्रेम को बल भी देता है यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पे अगर गुरु पर्वत पे दोस्तों ये वर्ग रहता है तो इंसान महत्वाकांक्षी बनता है, और साथ ही साथ जिस काम में हाथ डालता है उसमें सक्सेस मिलता है, सफलता मिलता है, और इंसान ज्ञानी भी होता है। शनि अगर ये वर्ग शनि पर भी रहता है तो इंसान को सुरक्षा देता है, प्रेम प्रसंगों के लिए नहीं, व्यक्ति को, जातक को स्वयं सुरक्षा देता है। वो खतरों से खेलने वाला व्यक्ति होता है अगर यहाँ पे वर्ग रहता है तो, मतलब वो बहुत हिम्मत वाला रहता है, वो सुरक्षा जातक स्वयं करता है। प्यार के लिए अच्छा नहीं है, स्नेह के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जातक के लिए खुद के खतरों में खेलने वाला होता है, बहुत पावरफुल इंसान होता है, बहुत हिम्मती इंसान होता है अगर शनि के क्षेत्र पे अगर वर्ग है, और अपनी सुरक्षा स्वयं करता है। अगर सूर्य के क्षेत्र पे अगर वर्ग है तो व्यक्ति को, जातक को मान सम्मान दिलाता है और यश भी दिलाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही चंचल और तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, और इनका जो व्यवसाय है अगर करते हैं तो व्यवसाय में बहुत ही सक्सेस रहते हैं, बहुत ही आगे रहते हैं व्यवसाय में दोस्तों, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। अगर मंगल क्षेत्र पर अगर इधर वर्ग हो और इधर वर्ग हो, मंगल क्षेत्र पे अगर वर्ग रहता है तो शत्रुओं से होने वाले खतरों से ये व्यक्ति अपनी रक्षा करता है और दूसरे की भी रक्षा करता है, यानी उसके अंदर बहुत ही पावर रहता है, हिम्मत रहता है, बहुत ही ताकत रहता है। वो अपने बुद्धिमानी से, अपने ताकत से वो किसी भी खतरे को टाल सकता है। यहाँ पे इतनी बड़ी शक्ति आ जाती है वर्ग के द्वारा। अगर चंद्र पर्वत पर हो दोस्तों, यहाँ पे अगर वर्ग है तो व्यक्ति का जो चिंतन है वो थोड़ा कामुकता की तरफ चला जाता है, यानी अपने वो व्यक्ति जो है, जातक है, वो चंचलता की तरफ चला जाता है, कामुकता की तरफ चला जाता है, गंदे विचारों की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर वर्ग जो है वो इन सब चीज़ों पे जाने के लिए रोकता है, अगर ये वर्ग रहता है तो। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ही खराब है, बहुत ही गलत विचार आ रहे हैं उसके मन में, या तो कामुकता की अधिकता है, तो अगर ये वर्ग रहेगा
तो वो उसको कम होने में रोकता है, मतलब कम करता है, ऐसे विचारों को आने से रोकता है, यानी गंदे विचारों को, कामुकता को और मानसिक तनावों को, चंचलता को, ये वर्ग जो है रोकता है दोस्तों। अंदर वाले मंगल पे अगर ये रहता है और जीवन रेखा से जुड़ा रहता है, तो ये अगर यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों, ये अंदर का मंगल है, अगर ये मंगल के क्षेत्र पर यहाँ पे अगर इस रेखा से ये जुड़ा रहता है इस तरह, तो इंसान को जेल भी हो सकता है, कारावास भी हो सकता है। ये जातक के द्वारा ही होगा, वो ज़्यादा क्रोधी होगा, ज़्यादा उग्र होगा, जिसके कारण वो कोर्ट कचहरी या तो कारावास में भी फंस सकता है। और साथ ही साथ वर्ग का जो निशान होता है वो हर जगह बहुत ही अच्छा फल देता है, केवल एक शनि के जगह पर और एक जो मंगल के जगह पे है वो थोड़ा सा हल्का फुल्का अच्छा फल नहीं देता दोस्तों। ये वर्ग का जो चिन्ह है कहीं भी रहे वो शुभ फल ही देता है, अच्छा फल देता है, सुरक्षा करता है और रक्षा भी करता है। केवल एक शनि के जगह और एक मंगल, आंतरिक मंगल वाला जो वर्ग होता है थोड़ा सा उतना अच्छा फल नहीं देता है। और सभी वर्ग जिस क्षेत्र पे रहते हैं हमेशा शुभता ही देते हैं, बहुत ही अच्छा फल देते हैं। मैं यहीं पे वीडियो ख़त्म करती हूँ। आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।